सो गाइस बता दूं कि जैसे कि आप लोग पता होगा कि BGMI और PUBG मोबाइल के अंदर जैसे ही आप लोग अपने आईडी को 7 या 8 दिन के लिए ऑफलाइन रखते हो तो आप लोग को 60 UC का RP वाउचर या फिर गए जहाँ पे 90 UC का RP वाउचर मिलता है, तो उसको लेकर गए जहाँ पे कुछ चेंजेस हुआ है उसी को लेकर इस वीडियो के अंदर यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ। तो डेफिनेटली आप लोग वीडियो को लास्ट जरूर देखिएगा और साथ में चैनल में पहली बार आओ जल्दी से आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्या है यहाँ पे देख सकते हो, जैसे आप लोग BGMI के अंदर रॉयल पास के अंदर रहेगा तो आप लोग को है यहाँ पे देखने को मिलेगा कि फिलहाल के लिए गए जहां पे A8 का रॉयल पास चल रहा है जो कि है जहां पे 22 सितंबर को सुबह में 5:30 बजे गए जहां पे एंड हो जाएगा, और उसी दिन गए जहां पे आप लोग का 7:30 बजे जो A9 का रॉयल पास है ये गए जहां पे गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा। और जैसा कि आप लोग पता होगा इसकी काफी सारे लोग है जहां पे क्या करते हैं कि जब गए जहां पे न्यू वाला रॉयल पास आने वाला रहता है उससे ठीक गए जहां पे 7 या 8 दिन पहले अपने आईडी को जहां पे सीधा ऑफलाइन कर देते हैं, जिससे गए जहां पे क्या होता है कि उन लोग को जहां पे इन गेम मेल के अंदर जो 60 यूसी का है जहां पे आरपी वाउचर रहता है वो डायरेक्ट यहां पे मिल जाता है। और क्योंकि आज ही आप लोग का 15 सितंबर और 22 सितंबर को है जहां पे न्यू वाला रॉयल पास आने वाला है, तो आज का दिन गए जहां पे परफेक्ट है कि आप लोग अपने आईडी को ऑफलाइन कीजिए, जिससे गए जहां पे क्या हुआ कि 22 तारीख को डायरेक्ट आप लोग को 60 यूसी का आरपी वाउचर यहां पे मिल जाएगा। लेकिन गए बता दूं कि फिलहाल के लिए इस वाला जो अपडेट है इसके अंदर देखने को मिल रहा है कि जो लोग भी गए जहां पे पबजी मोबाइल के अंदर अपने आईडी को 7 या 8 दिन के लिए ऑफलाइन किए उनके आईडी में गए जहां पे बता दूं कि जो 60 यूसी का जहां पे आरपी वाउचर रहता है वो गए जहां पे किसी को भी नहीं मिला। तो अब गए जहां पे ये चीज मेरे को फिलहाल के लिए अभी नहीं पता कि क्या BGMI के अंदर भी गए यही सेम चीज यहां पे फॉलो होने वाला है या फिर गए जहां पे BGMI के अंदर आप लोग को ये जो 60 यूसी का आरपी वाउचर रहता है ये आप लोग को मिलेगा। तो मैं फिलहाल के लिए गए यही बोलूंगा कि जो लोग गए जहां पे अपने आईडी को ऑफलाइन कर सकते हैं अभी फिलहाल के लिए गाइस अपने आईडी को ऑफलाइन कर दीजिए, एक बार गए जहां पे ट्राई करके देखिए, क्या पता गाइस अगर यहां पे अभी BGMI के अंदर मिल रहा होगा तो डेफिनेटली गाइस आप लोग को 60 यूसी का यहां पे फायदा हो जाएगा। बाकी फिलहाल के लिए बता दो गाइस कि पबजी मोबाइल के अंदर उन्हीं लोगों को यहां पे 60 यूसी का वाउचर मिला जो लोग है जहां पे पिछले बार रॉयल पास को परचेज नहीं किए होंगे, यानी कि 8 का रॉयल पास को अगर परचेज नहीं किए तभी जाकर गाइस आपका इन गेम मेल के अंदर 60 यूसी का आरपी वाउचर मिला। जो लोग है जहां पे पिछले बार रॉयल पास को परचेज किए होंगे और उसके बाद 7 से 8 दिन अपने आईडी को यहां पे ऑफलाइन किए उन लोग को है जहां पे बता दूं कि जो 60 यूसी का आरपी वाउचर है वो फिलहाल के लिए पबजी मोबाइल के अंदर नहीं मिला। बाकी अभी चले गए जहां पे आप लोग को BGMI के अंदर एक लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूं कि अगर मैं गए जहां पे कुछ दिन के बाद अपने आईडी को वापस यहां पे बुलाता हूं तो क्या यहां पे हम लोग को 60 या 90 यूसी का आरपी वाउचर मिलता है या फिर नहीं। चूंकि अगर अब आप लोग को यहाँ पे जो वेलकम बैक का इवेंट रहता है ये गए जहाँ पे देख सकते हो, मैं एक आईडी के अंदर आप लोग को लाइव प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि कौन कौन सा गए जहाँ पे वाउचर है जो कि इसके अंदर में यहाँ पे मिलता है वेलकम बैक का इवेंट आने के बाद। तो क्या है जहाँ पे देख सकते हो वेलकम बैक का इवेंट यहाँ पे आ चुका है और सिंपली गए जहाँ पे मैं कलेक्ट पे क्लिक करता हूँ और उसके बाद गए जहाँ पे कलेक्ट पे क्लिक करने के बाद सीधा गए जहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ। जैसे गए जहाँ पे देख सकते हो मैंने ओके पे यहाँ पे क्लिक किया तो उसके बाद में गए जहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि 90 UC का गाइस यहां पे आरपी वाउचर मिला है। और बता दूं गाइस कि इस आईडी का लेवल है 74 और इसमें गाइस यहां पे ये 90 UC का वाउचर मिला है। तो अब गाइस यहां पे ये जो 90 UC का वाउचर रहता है ये एक्चुअल में कैसे मिलता है इसको लेकर गाइस मैं इसी वीडियो में लास्ट में आप लोग बताऊंगा, क्योंकि इसका जो गाइस यहां पे आप लोग कंडीशन रहता है ये अलग है जहां पे कंडीशन रहता है जो कि आप लोग कंप्लीट करना पड़ता है तभी जाकर गाइस यहां पे 90 UC का वाउचर मिलता है। और ये गाइस यहां पे बता दूं कि जो वाउचर मिलता है इसका खासियत यही है कि अगर ये वाउचर आप को मिल गया तो इसको गाइस यहां पे देख सकते हो आप लोग 30 दिन के अंदर कहीं पे भी गाइस इसको आप लोग यूज कर सकते हो रॉयल पास के अंदर। और अगर मान लीजिए यहां पे इसको आप लोग यूज नहीं करते हो तो ये ऑटोमेटिकली गाइस यहां पे 50 UC का जो वाउचर रहता है उसमें गाइस यहां पे जाकर ये चेंज हो जाता है। तो एक तो गाइस यहां पे आप लोग दिख गया कि हां 90 UC का आरपी वाउचर मिला है, लेकिन अभी गाइस यहां पे सबसे मेन बात ये रहता है कि क्या 60 UC का जो आरपी वाउचर है वो गाइस यहां पे इनके आईडी के अंदर मिला या फिर नहीं, आइए गाइस यहां पे सीधा आप लोग को इन गेम मेल के अंदर लेके चलता और यहां पे चेक करते हैं। तो देख सकते हो यहां पे देखने को मिल रहा है कि जो 60 यूसी का आरपी वाउचर है वो गए जहां पे इनके जो इन गेम मेल है यहां पे देखने को नहीं मिल रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं गाइस यहां से लगभग कंफर्म हो रहा है कि शायद से गाइस अब आप लोग का जो 60 यूसी का आरपी वाउचर है उसको गाइस यहां पे आप लोग का गेम के अंदर से हटा दिया गया है।
यानी कि अगर मान लीजिए आप लोग यहाँ पे पिछले बार वाला गए जहाँ पे जो रॉयल पास है उसको यहाँ पे परचेज किए होंगे और उसके बाद में गए आप लोग अपने आईडी को 7 या 8 दिन के लिए ऑफलाइन करते हो, तो उसके बाद में गए जहाँ पे ये जो 60 उसी का आरपीओ वाउचर रहता है ये अब आप लोगों को शायद से ना मिले। बाकी अभी गए जहाँ पे बात करते कि जो 90 उसी का वाउचर है ये एक्चुअल में कैसे मिलता है, तो देख सकते हो गए जहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा इन्वेंट्री के अंदर ये 90 उसी का आरपीओ वाउचर है और ये गए जहाँ पे देख सकते हो लगभग 31 दिन के आसपास यहाँ पे चलेगा, यानी कि आराम से गए जहाँ पे जिस दिन 22 तारीख को न्यू वाला रॉयल पास आएगा वहाँ पे गए जर ये 90 उसी का वाउचर अप्लाई हो जाएगा। तो इसके लिए गए जहाँ पे बस एक ही कंडीशन है जो कि आप लोग कंप्लीट करना पड़ेगा और वो गए जहाँ पे कंडीशन ये कि आप लोग को अपना आईडी को है जहाँ पे 7 या 8 दिन के लिए नहीं बल्कि यहाँ पे बता दूँ कि 2 वीक के लिए मिनिमम आप लोग को ऑफलाइन करना पड़ेगा, जिसके जहाँ पे देख सकते हो ये जो आईडी है ये गए जहाँ पे लास्ट देख सकते हो 29 अगस्त को गए जहाँ पे ऑफलाइन हुआ था और उसके बाद में गए जहाँ पे देख सकते हो ये सीधा 17 दिन के बाद यहाँ पे ऑनलाइन ये आईडी हुआ, यानी कि जहाँ पे बोल सकते हो कि लगभग 2 वीक के आसपास अगर आप लोग अपने आईडी को ऑफलाइन करते हो तभी जाकर गए जहाँ पे जो 90 यूसी का आरपीओ वाउचर रहता है ये आप लोग को मिलता है, इनकी पकड़ के चले गए इसकी लगभग 15 दिन के आसपास आप लोग को अपने आईडी को ऑफलाइन करना पड़ेगा तभी जाकर 90 यूसी का आप लोग को आरपीओ वाउचर मिलेगा। और अभी फिलहाल के लिए गए जहाँ पे जो 7 या 8 दिन के लिए आप लोग अपने आईडी को ऑफलाइन करते थे और वहाँ से जो 60 यूसी का वाउचर मिलता था वो गए जहाँ पे पबजी मोबाइल के अंदर से फिलहाल के लिए हटा दिया गया है और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि बीजीएमआई के अंदर भी गए अब आप लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी गाइस मैं बोलूंगा कि इस बार एटलीस्ट लास्ट आप लोग ट्राई कीजिए, क्या पता गए जहाँ पे बीजीएमआई के अंदर कुछ और ही गए जहाँ पे कॉन्सेप्ट रहे और उसके अंदर में गए जहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों को 60 उसी का वाउचर मिल जाए। तो इसी कारण से गाइस मैं बोलूंगा कि एक बार लास्ट आप लोग क्या कीजिए, जो लोग भी यहाँ पे 60 उसी का आरपीओ वाउचर लेना चाहते हैं वो लोग गए जहाँ से आज से ही अपना आईडी को ऑफलाइन कर दीजिए और 22 तारीख को गए जहाँ पे जैसे ही न्यू वाला रॉयल पास आ जाएगा उसके बाद में गए जहाँ पे आप लोग अपने आईडी को यहाँ पे वापस मतलब ओपन कर लीजिएगा और उसके बाद में गए अगर आप लोगों को 60 उसी का वाउचर मिल गया तो काफ़ी ज़्यादा सही है और अगर नहीं मिला तो समझ जाइएगा इसके बीजीएमआई के अंदर अब आगे जाकर आप लोग कभी भी 60 उसी का जो आप लोग का आरपीओ वाउचर रहता है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो उम्मीद करता हूँ इसकी एक एक करके पूरा लाइव प्रूफ के साथ सारा कुछ यहाँ पे मैंने डिटेल में बता दिया, बाकी इसके लोग जहाँ पे कुछ भी डाउट रह गया हुआ तो आप लोग चाहो तो कमेंट में पूछ सकते हो। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में एक नए ट्रिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।